2023 के अंत में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ताबड़तोड़ एक्शन में दिख रही, चार राज्यों के प्रभारी घोषित कर दिए। रिपोर्ट देखें। भारतीय जनता पार्टी ने इस साल चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इस क्रम में बीजेपी ने राजस्थान में प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभार की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, तो तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर को चुनाव प्रभार की जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी ने पांच राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए थे, जिसे संगठन को मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा गया था। तो ये तमाम वो राज्य थे जहां भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में चुनाव फेस करेगी। क्यों ये अहम है और क्यों नियुक्तियां इतनी मायने रखती हैं, डिकोड कर रहे हैं। 2023 के अंत तक यानी कुछ ही महीनों में इन चार राज्यों में चुनाव, जहां प्रभारी बने चार राज्यों में से तीन राज्यों में बीजेपी फिलहाल विपक्ष में है। अगर 24 में बीजेपी को सत्ता में वापसी करनी है जैसा दावा है, तो 23 के सेमीफाइनल को हर हाल में जीतना पड़ेगा। इन चारों राज्यों में कुल 82 लोकसभा सीटें पड़ती हैं। इन 82 लोकसभा सीटों में बीजेपी के पास अभी फिलहाल 66 सीटें यानी बड़ा हिस्सा है। लोकसभा में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। जाहिर है बीजेपी लोकसभा वाले इस प्रदर्शन को दोहराना, आगे बढ़ाना चाहेगी, और इसके लिए जरूरी होगा कि राज्य में जो 23 के अंत में चुनाव होंगे विधानसभा के, इसमें एक माहौल तैयार किया जाए। साल 2018 के नतीजों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी ने अपनी सरकार गवा दी थी। 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस का कमबैक इसे माना गया। इस बार यह गलती बीजेपी दोहराना नहीं चाहेगी। अब देखते हैं कि कितना हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक एक चेहरा जो आज नियुक्त हुआ है बड़ा रणनीतिकार है, इसमें कोई शंका नहीं।